आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन हम इसमें देखेंगे कि इंडिया में फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया जाता है, किया गया है। हमारे वहाँ जो हम लेते हैं इंडिया में, बेसिकली चैम्पियन एंड सीथ का फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन लिया गया है, जो है बेस्ड ऑन इकोसिस्टम एंड हम जो क्या है इकोसिस्टम के बेस में किया जाता है, इकोलॉजिकल बेस पे। जनरली क्या होता है कि जो फॉरेस्ट है वो क्लासिफाई किया जाता है थ्री थ्री बेस पे किया जाता है। फर्स्ट फर्स्ट में हम कह सकते हैं बॉटनिकल बेस पे, बॉटनिकल मीन्स वेजिटेशन के बेस पे। एंड सेकंड में हम कहेंगे क्लाइमेटिक बेस पे, मेनली क्लाइमेट के बेस पे क्लासिफाइड किया जाएगा। और लास्ट में हमारा थर्ड पॉइंट पे आता है इकोलॉजिकल एंड इकोसिस्टम बेस पे, जो हमारा ये हम जिसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कॉमनली ये ही इसी बेस पे फॉरेस्ट के जो इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं वो क्लासिफाइड हैं, उन्हें क्लासिफाइड किया गया है। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं, आप देख सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट में है चैम्पियन एंड सीथ ने 1968 में इंडियन फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया था फाइव मेजर ग्रुप्स में। उन्होंने फर्स्ट में फाइव मेजर ग्रुप बनाए, हम उसके बारे में अब बात करेंगे। एंड जो फिर से डिवाइड किए गए 16 टाइप्स ऑफ ग्रुप में, फर्स्ट में उन्होंने फाइव टाइप्स में किए एंड फाइव फिर से 16 सब टाइप्स में डिवाइड हुए, फाइव मेजर ग्रुप्स एंड 16 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स एंड फर्दर 16 डिवाइडेड इंटू 221 फॉरेस्ट टाइप्स सब टाइप्स। तो 16 के बाद फिर 16 डिवाइडेड हैं 221 सब टाइप्स में। तो अभी बेसिकली ये डेटा लिया जाता है 221, मतलब 200 से अब, तो 200 अराउंड 221 सब फॉरेस्ट सब टाइप्स हैं यहाँ, 200 से अब ही रहेंगे। एंड देन हम बात कर लेते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल सेवन ग्रुप्स में डिफ्रेंशिएट है, उसके बाद जो इसके टाइप्स हैं सेवन में हैं। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें हम सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे इंडिविजुअल टॉपिक्स पे। अभी ये वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसमें ओनली हम टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट को जानेंगे। एंड ये बहुत बार यही चीज़ मोस्टली पूछी जाती है। इसका अगर स्पेसिफिक आपको कोई स्पेशल टॉपिक पे पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। इसमें हम नेक्स्ट पार्ट में हम इसे कवर अप कर लेंगे। ट्रॉपिकल मॉइस्चर एवरग्रीन फॉरेस्ट है एंड ट्रॉपिकल मॉइस्चर डेसिडियस फॉरेस्ट है सेकंड में, एंड लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट है। जैसे ट्रॉपिकल मॉइस्चर एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन कौन सी स्पीसीज आएंगी, कहाँ आएगा, ये अंडमान निकोबार आइसलैंड असम बंगाल इन सब जगह पे आता है, और स्पीसीज क्या होती हैं इनमें, जो कॉमन स्पीसीज हैं यहाँ पर, कितने एल्टीट्यूड पे ये फॉरेस्ट मिलते हैं, इस पर हम स्पेसिफाई इसमें डिटेल वीडियो देख लेंगे, कर लेंगे। ट्रॉपिकल मॉइस्चर सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ये भी हमारा नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें। उसके बाद आता है ट्रॉपिकल मॉइस्चर डेसिडियस फॉरेस्ट, लिटोरल एंड स्वैम फॉरेस्ट। लिटोरल एंड स्वैम फॉरेस्ट मीन्स बीच फॉरेस्ट जो होते हैं मैंग्रोव्स। एंड ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। तो मोस्टली हमारा जो होता है ज़्यादा पार्ट में ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, जैसे हमारा साल है, सोरेया रोबस्टा, सीसम, डालबेजिया सीसू, ये सब हमारे इस फॉरेस्ट को कवर अप करते हैं। थॉर्न फॉरेस्ट हमारा मिलता है बेसिकली राजस्थान गुजरात के एरिया में, थॉर्न फॉरेस्ट होंगे यहाँ पे। अकेसिया की स्पीसीज कॉमन है, एल्विजिया कैलोट्रॉपिस राजस्थान में कॉमन है जो, तो इसको हम नेक्स्ट, अगर हम अभी हम सिर्फ टाइप्स को बात कर रहे हैं, स्पेसिफाई हम अलग अलग टॉपिक को पूरा डिटेल वीडियो में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट में देख लेते हैं माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये थ्री ग्रुप्स में डिवाइड है, ब्रॉडलीव हिल फॉरेस्ट, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड पाइन फॉरेस्ट। तो ये थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पे आ जाते हैं ये फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल एरियाज के थे वो थोड़ा कम एल्टीट्यूड इक्वेटर के पास वाले एरियाज में हमें मिलेंगे। एंड देन ये थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पे आपको मिलेंगे, थोड़े माउंटेन एरिया पे। सी नेक्स्ट में हम बात करते हैं, फाइव मेजर ग्रुप हैं माउंटेन, तो
हम ये जो जा रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, मतलब हाई हाई एल्टीट्यूड की ओर बढ़ रहे हैं। तो जैसे ट्रॉपिकल थोड़ा नीचे है, फिर उससे ऊपर आएगा सब माउंटेन, सब ट्रॉपिकल्स में ट्रॉपिकल है, फिर सब ट्रॉपिकल्स, फिर माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, फिर एल्पाइन। ऐसे माउंटेन टेम्परेट में भी हम देख लेते हैं, इसमें थ्री बेसिक कैटेगरीज में है, माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट एंड हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। एंड नेक्स्ट में है सब अल्पाइन फॉरेस्ट, इसमें ओनली वन ग्रुप है सब अल्पाइन फॉरेस्ट। लास्ट फिफ्थ ग्रुप में है अल्पाइन स्क्रब, इसमें दो ग्रुप में डिवाइड है, मॉइस्ट अल्पाइन स्क्रब एंड ड्राई अल्पाइन स्क्रब। ये तो थे हमारे फॉरेस्ट टाइप। तो हम इसके बाद इनको जो इसके जो स्पेसिफाई कर लेंगे, इनको सेपरेट वीडियो में हम कवर कर लेंगे हर एक फॉरेस्ट को। मतलब जैसे कि सब एल्पाइन है तो पूरे सब एल्पाइन को हम कवर अप करेंगे, इसमें कौन कौन सी कितने एल्टीट्यूड पे ये मिलते हैं और कौन कौन सी स्पीसीज यहाँ पे आती हैं, लाइक दैट। और इसके बाद आएगा हमारा अदर फॉरेस्ट के बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें ओनली टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हमने देखे, एल्पाइन में कौन कौन से आएंगे, सब एल्पाइन में कौन से आएंगे, तो जो एल्पाइन एरिया में कौन कौन सी मिलेंगी फॉरेस्ट वेजिटेशन। मॉइस्ट एल्पाइन में स्क्रब में कौन कौन सी वेजिटेशन मिलेगी, जैसे रोडोडेंड्रॉन मोस्टली यहाँ पे मिलता है, रोडोडेंड्रॉन जो हम बुरांस कहते हैं जिसे, और मॉसेस फर्न मोस्टली यहाँ पे मिलेंगे। एंड ड्राई एल्पाइन में कौन कौन सी हैं, जो ड्राई एल्पाइन स्क्रब फॉरेस्ट है वहाँ पे कौन कौन से मिलेंगे, स्पीसीज मिलेंगे कितने में हैं, जीरोफाइटिक मतलब जीरोफाइटिक प्लांट्स मोस्टली यहाँ पे मिलते हैं, जैसे यूपी हिमाचल साइड को ये मिलेंगे, पंजाब कश्मीर उस एरिया में हमें मोस्टली ड्राई एल्पाइन स्क्रब फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। इसको हम डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियोस में। अगर आप इसके हर ईच ग्रुप्स को सेपरेट देखना चाहते हैं तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। ये ओनली टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हमने डिस्कस किया था, अदरवाइज ये बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा।